फरीदाबाद के सूरजकुंड में दिल दहला देने वाली वारदात। जेएनयू की छात्रा को बंधक बनाकर रेप की कोशिश। जेएनयू के छात्र और पूर्व छात्रों पर बदमाशों का हमला। वारदात 14 अगस्त रात 8:30 बजे की है। दरअसल 14 अगस्त को जेएनयू के 6 छात्र और एक बाहर का छात्र फरीदाबाद के असोला वाइल्ड लाइफ घूमने गए। वहां से वापसी पर जब कैब नहीं मिली तो बाइक पर 2 छात्र और 1 छात्रा बैठकर बाहर की तरफ चलने लगे। बाकी 4 छात्र पैदल ही असोला वाइल्ड लाइफ से लौट रहे थे। आरोप है कि बाइक सवार स्टूडेंट्स को आगे जाने पर करीब 7 लोगों ने रोक लिया और लड़की और दोनों लड़कों को घंटों बंधक बनाकर मारपीट की। इतना ही नहीं, छात्रों का आरोप है कि 7 लोगों ने उनके साथ मौजूद लड़की से रेप की कोशिश भी की। उन लोगों ने मेरे दाढ़ी की वजह से मुझे मारा, मुस्लिम करके मारा। मैंने आई कार्ड भी दिखाया, फिर लोगों को प्लीट भी किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरा नाम दीपांजन है, मैं यहाँ आकर स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि जो जब ये सब हो रहा था तो हमारे साथ जो महिला मित्र थे उस पर भी निरंतर मतलब अत्याचार चालू कर दिया लोगों ने। पीड़ित छात्रों का कहना है कि इलाके के रहने वाले 2 लड़कों ने आकर किसी तरह तीनों छात्रों की जान बचाई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने जब ये लोग सूरजकुंड थाने गए तो पुलिस वालों ने लड़की के साथ अभद्रता की और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। ये लोग हम लोग एक साथ थे, लड़की से अलग से पूछताछ किया जा रहा था तो लेकिन लड़की को वहाँ पर पूछताछ के दौरान जो है उनको बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें बोली गई। ठीक है, बोली गई कि हाँ भाई ये डेथ वैली है, यहाँ पर कैसे आ गया है, पुलिस वालों ने बोला। बताया वो ना महिला मित्र ने, आपको फोन थे, क्या नाम था, कैसे था? नहीं नहीं, उन्होंने उनसे पूछा, उनसे पार्टिकुलर महिला से पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा और बहुत सारी चीज़ें बोला गया। बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे सब FIR सब में दर्ज है। छात्रों के मुताबिक पुलिस वालों ने राजीनामा लिखवाया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ितों ने इसके बाद वसंत कुंज नॉर्थ थाने में 0 FIR दर्ज कराई है। वारदात के बाद पीड़ित छात्रा इस कदर खौफजदा है कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।